हो गए हैं सुबह के 12:15। आज संडे है तो सब कुछ लेट हुआ है, लेट गए हैं कायरा के पापा और मैंने भी जस्ट अभी नाश्ता किया है और कायरा को पकड़ा है। देखो कायरा क्या कर रही है, अभी कायरा दादी के साथ बादाम कुटवा रही थी और अपने मुंह से बादाम तोड़ रही थी कायरा। अब कायरा खो गई है कार्टून्स में। माशा इन द बियर है ना, अब इसे गोद से उतारूंगी ना, ऐसे ही रोने बैठ जाना मैडम जी ने। कायू ओए बादाम छिलवा दिए सारे काम कर दिए हैं। चलो बिजी हो रखी कितनी। सो मैंने जस्ट अभी बर्तन धोए हैं, अभी स्लैब वगैरह साफ करनी है, कपड़े धोने पौना एक हो गया पूरा। चलो फटाफट काम कर लो पहले। मैं भी क्या कह रहा है, मीठा नहीं है, हैं वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। सही है, साग लिया था आज, साग भी नहीं छीलने का टाइम लगा, इतना ही लेट फ्री हुए हैं। कायरा सोई फिर मैं भी कथा सुन के, शिव पुराण आती है आस्था चैनल पे, सुना करो सब, बड़ी अच्छी कथा आती है वो, तो वो ज़्यादा नहीं आधे एक घंटे की सुन लो, तो मैंने भी इतने ही सुनती हूँ। सुन के सोई मैं, अलमारी के कपड़े सेट करने हैं थोड़े, तो वो करने थे पर आलस आ गया कि कल सो जा, थक गई। सो यहाँ गए हम बनाएंगे चाय, अभी तो अंदर पपीता खा रहे हैं बट मैं चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे, कायरा भी चाय पीती है इस टाइम। सो यहाँ फटाफट पहले मैं चाय बना लेती हूँ। कहता है गोल गोल घूमता है वो आई शाल किथे मेरा, शाल मेरा ले आ, चल शाल किथे है मेरा, शाल किथे है, शाल कहाँ है दादी का, किधर है, बाहर जा रहे हो, हाँ, बुट्टू कि बुट्टू मेरे बुट्टू कि हाथ बुट्टू कड़ा मैं कड़नी तू नहीं कड़ने हाथ, मैं इतने खो 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 ना, मैं बुट्टू कड़ा इधर आ जा मेरा हैंड पकड़, चलो कितने जाना है, अच्छा अच्छा बाहर जाना है, वो देखो खोलो गेट, गेट खोलो, गेट खोलो, खोलो गेट खोलो, दादी तैयार होगी, चलो बाय कायरा बाय, जाओ होली। सो
कायरा तो बाहर चली गई दादी के साथ। अब हम करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो आज हम बना रहे हैं आलू बीन्स। तो आलू ये हैं शटला आलू, इसको थोड़ा पील करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही करना है। आज ठंड भी हो गई है हौली हौली, बाहर बहुत ठंड है, शीत लहर चल रही है बाहर। हम कल के व्लॉग का थंबनेल मैंने बनाया ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी, तो मैंने बनाया ही नहीं थंबनेल, ऐसे ही डाल दी है। पता नहीं क्या हो गया वीडियोस को, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे और अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे, आई डोंट नो क्यों। कुछ बना भी नहीं रही मैं ठीक, मैं सच बताऊँ, क्योंकि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। काम कर लो या शूट कर लो, एक चीज़ होती है, फिर ज़्यादा लंबा भी ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, 20 मिनट का बन जाए है ना। तो उस हिसाब से कोशिश करूँगी धीरे धीरे फिर से कि लाइन पे आए मेरा ब्लॉग, जैसे पहले बन रहे थे ना, स्टार्टिंग में बने थे ब्लॉग, रोज़ व्यूज आते थे, रोज़ 100 व्यूज़ तो आ ही जाते थे, अभी तो 50 भी पार नहीं हो रहे। तो मैं ये फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ इससे पहले वो आ जाए पायरा, पर अभी 10-15 मिनट तो बाहर घूमेंगे, इसका शाम का कोटा होता है बाहर जाने का, बाहर जाना है, एक आधी चीज़ उसको मिल जानी है। तो मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद तड़का वगैरह बताती हूँ मैं कैसे लगाना। आज मैं सब्जी का व्लॉग बना कर डालूँगी, आज मैं सब्जी बनाऊँगी। A few moments later. So guys, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। साथ ही डाल देंगे इसमें हम लहसुन। सो लहसुन लाल हो गया है, अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। जब तक ये लाल होगा अच्छे से भुनेगा तब तक हम हरी मिर्च और टमाटर काट के रेडी कर लेते हैं। तो प्याज और लहसुन दोनों बढ़िया से लाल हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। अब मसाले, अब इसके साथ ही मैं मसाले डाल दूंगी सारे। तो पहले नमक 1 चम्मच भर के, हल्दी भर के, रंग वाली मिर्च मेरी फेवरेट, और उसके बाद लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे और तब तक मैं सब्जी वगैरह धो लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं तड़के ने तेल छोड़ दिया है और ये तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी। वाहेगुरु वाहेगुरु। बस अब इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के तेज गैस पे रख देना है, एक दो बार इसको स्टर करेंगे, फिर हम कम गैस पे रख के इसे पकाएंगे अच्छे से। पानी ये देखिए, अब हम इसको बना देते हैं। सो फाइनली हमारी सब्जी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। धनिया वगैरह सब डाल दिया मैंने, गरम मसाला भी डाल दिया इसमें, और नमक वगैरह सब ठीक है। कायरा के पापा भी आ गए, अब ये देखो पापा को छोड़ना नहीं इसने। ये है यहाँ के फेमस चौपाटी, स्पेशल चौपाटी। सो कायरा गई है चाप ले रहे पापा के साथ, ये शाका की चाप बड़ी फेमस है यहाँ की, हम अक्सर खाने आते हैं यहाँ। नहीं रहा ये हमारी चाप फ्राई हो रही है अभी नहीं, सॉरी आ गई। सो इतना वेट करने के बाद फाइनली हमारी चिली चाप आ गई। डेकोरेशन देखो कितनी करी है मस्त। नहीं।
कायरा भी खाती हूँ। कायरा कौन देते हैं हम, इतनी मस्त चाप है ना, क्रंची। तो चाप तो अभी हम आ गए मम्मी के लिए इडली पैक करवाने, और लास्ट में आई है तो सब कुछ खत्म हो गया, प्लेटें वगैरह सब साफ है, दो प्लेट बची है लास्ट की, वो हम पैक करवा रहे हैं। और बाहर देखो फॉग, देखो कितना सामने अरे बाबा के सामने पैक हो रही थी, अरे बाबा के सामने, कॉलेज के सामने स्टॉल्स लगते हैं रेडिया। घर जाना, इन्होंने कह रहे जल्दी जल्दी करो पैक, घर जाएंगे हम। ए, प्लेन छोड़ जाए यार, एक मिनट। पापा कहाँ, पापा पापा कहाँ, पापा पापा आवाज दे, उधर उधर फोन कर। तो कायरा चली गई पापा के पास, अब जाएंगे घर पैक करवा के।